नमस्कार दोस्तों दोस्तों चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक टू फ्लिप कर्व एनालाइजिस। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन फ्लिप कर्व और लॉन्ग रन फ्लिप कर्व। दोस्तों यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए अब अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स बाकी हैं, तो नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपरों की लिस्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ MCQs जो रिलेटेड होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं फ्लिप कर्व एनालाइजिस। शुरू करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। फ्लिप कर्व वॉज डेवलप्ड बाय AW Flip इन 1958। उसके बाद फ्लिप कर्व एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ये थ्रस्ट है या फिर मेन फोकस है उस थ्योरी का, दैट इज़ इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ मनी वेजेस चेंज। तो यहाँ पे दो चीज़, एक रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक दूसरा रेट ऑफ मनी वेजेस, और जिसी को हम दूसरे सेंस में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट और मनी वेज में इनवर्स रिलेशन है, एंड दीज हैव इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब उल्टा रिलेशन है इनमें। लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एसोसिएटेड विद हायर वेज रेट और इन्फ्लेशन। जितनी कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी उतनी ही ज़्यादा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या फिर वेज रेट होगी। तो नेक्स्ट वन, फ्लिप कर्व डाटा बेस्ड ऑन UK दैट इज़ इंग्लैंड 1861 टू 1957। तो यहाँ पे टाइम मेंशन है, तो मतलब ये क्या है, टाइम सीरीज डाटा ये है। सो नेक्स्ट वन अब एग्जामिन करते हैं या फिर समझते हैं इसके फ्लिप कर्व को डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आधी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया। फर्स्ट वन हम वाई एक्सिस पे देखते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक प्राइस और एक वेज रेट, और वाई दैट इज एक्स एक्सिस पे या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या परसेंटेज चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहली बात ये है, जहाँ पे आपकी वेज रेट 2 होता है वहाँ पे इन्फ्लेशन 0 हो जाता है। जहाँ पे वेजेस मनी वेज 2 वहाँ पे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन 0 हो जाएगा, और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट रहेगी 3%। और जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5 होगा वहाँ पे वेज रेट 0 हो जाएगी। तो ये बात का स्पेशली ध्यान रखना, जहाँ पे 0% ऑफ वेज रेट इज इक्वल टू दैट इज़ 5.5% ऑफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ इनवर्स रिलेशन ऐसे, जैसे ही वेज रेट इंक्रीज होंगे फ्रॉम 2 to 4 तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले 3% था, 2 वेज रेट, तो वेज रेट बढ़ के हुआ 4, और सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट कम हो के हुआ दैट इज़ 3 to 2। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, और सिमिलरली प्राइस के साथ भी वेरी वैसे ही करेगा। तो इन्वर्स रिलेशन है प्राइस और वेजेस का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट टू 3% देन इन्फ्लेशन वुड बी 0। जब 3% अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इन्फ्लेशन वुड बी 0। द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ आर हाईली नॉन लीनियर। तो एक नॉन लीनियर रिलेशन है इन दोनों के बीच में। फ्लिप कर्व इज कन्वेंशनल और ओरिजिनल डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जो ओरिजिनल फ्लिप कर्व था या फिर जो कन्वेंशनल पुराना फ्लिप कर्व था उसकी शेप डाउनवर्ड से थी, बाकी बाद में इकोनॉमिस्ट आए जैसे फ्रीडमैन फेल्स, उन्होंने वर्टिकल फ्लिप कर्व दिया था। नाउ फ्लिप कर्व शोज नॉन लीनियर स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन मनी वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉन लीनियर स्टेबल और इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। नाउ नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द लो अनएम्प्लॉयमेंट मनी वेजेस इज हाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है। इफ इंक्रीज इन मनी वेज मोर देन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी प्राइस विल राइज एंड वाइस वर्सा। देखो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे ही मनी वेजेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ने से कॉस्ट तो बढ़ गई लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने तय हैं, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ने से प्राइजेस भी बढ़ेंगे, तो प्राइस बढ़ने को ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और उसके विपरीत अगर उल्टा हुआ सो ये कंडीशन विपरीत भी सेम वैसे ही काम करेगी, दैट इज़ वाइस वर्सा। सो नेक्स्ट वन, प्राइस डू नॉट राइज इफ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एट सेम रेट
एज इंक्रीज इन मनी वेज रेट। देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ समझने वाली है, वो कह रहा है लेबर प्रोडक्टिविटी एंड मनी वेज रेट अगर दोनों ही सेम रेट में बढ़े, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और मनी वेज रेट भी बढ़ेगा, तो प्राइस चेंज नहीं होगा, तो प्राइजेस क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी उतनी बढ़ी और मनी वेजेस भी उतने ही बढ़े, तो इसलिए प्राइजेस वहाँ पे कॉन्स्टेंट ही रहेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लिप कर्व शोज शॉर्ट रन फ्लिप कर्व, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये वर्टिकल हो जाता है। देर इज़ ट्रेड ऑफ इन शॉर्ट रन बिटवीन मनी वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ट्रेड ऑफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जब यहाँ पे किसी दो चीज़ों में डिस्क्रिपेंसी होता है, मतलब दो चीज़ें अपोजिट होते हैं, दो चीज़ मतलब कॉन्ट्राडिक्ट्री होते हैं दो चीज़ें, उस चीज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पे शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ है, मतलब इन दोनों में एक कॉन्ट्राडिक्ट्री फैक्टर है, क्योंकि मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टा हैं, इसलिए ट्रेड ऑफ शॉर्ट रन में होगा और हम लॉन्ग रन आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लॉन्ग रन में ये ट्रेड ऑफ नहीं होता। सो ट्रेड ऑफ का मतलब है इट इज़ टू अपोजिट सिचुएशंस, दो अपोजिट सिचुएशंस। नाउ नेक्स्ट वन, प्राइस एक्सपेक्टेशन आर नॉट अडेप्टिव। यहाँ पे अडेप्टिव का मतलब है कि फ्यूचर प्रिडिक्शन, तो हम यहाँ पे शॉर्ट रन में फ्यूचर के बारे में इन्फ्लेशन या फिर प्राइजेस को एक्सपेक्ट या फिर एक्सपेक्टेशन अपनी नहीं होती, तो इसलिए शॉर्ट रन में देर इज़ प्राइस एक्सपेक्टेशन आर नॉट अडेप्टिव। एंड नेक्स्ट वन, प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक। प्राइस एक्सपेक्टेशन स्टैटिक इसलिए क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन तो रखते ही नहीं फ्यूचर की, तो इसलिए ये क्या है, स्टैटिक। सो अब बात करते हैं फ्रीडमैन व्यू की। फ्रीडमैन ने दिया था लॉन्ग रन फ्लिप कर्व, दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, फ्लिप कर्व इज शॉर्ट रन फिनोमिना। देखो शॉर्ट रन फिनोमिना है ये भी मानता है, बट एंड इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, बट कहता है ये शॉर्ट रन में स्टेबल नहीं होता। और नेक्स्ट वन, इट इज़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच पुश द फ्लिप कर्व इन लॉन्ग रन। देखो इन्होंने भी माना है कि ये शॉर्ट रन ही फिनोमिना है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो फ्लिप कर्व को पुश करता है लॉन्ग रन में। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइजेस बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से अपना जो कंजप्शन पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है प्रेजेंट में। सो अकॉर्डिंग टू हिम फ्लिप कर्व इज़ नॉट स्टैटिक, तो स्टैटिक नहीं होता, मतलब ये अडेप्टिव है। सो इन द लॉन्ग रन देर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी है ही नहीं वेजेस में या फिर इन्फ्लेशन में। सो लॉन्ग रन में यहाँ पे ट्रेड ऑफ नहीं है, और इसका मतलब है इन लॉन्ग रन देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट की थी इन्फ्लेशन और जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। और इसी सिचुएशन में दैट इज़ फ्लिप कर्व बिकम वर्टिकल, और फ्लिप कर्व वर्टिकल हो जाएगा। सो इफ देर इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन देन डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लिप कर्व अकर। अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन में डिफरेंस है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्लिप कर्व, जो शॉर्ट रन में होता है। तो चलिए अब समझते हैं इसको डायग्रामेटिकली, लॉन्ग रन फ्लिप कर्व को। अब लॉन्ग रन फ्लिप कर्व वर्टिकल होता है 3% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, और वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट होती है दैट इज़ 2%, और ये जो कर्व शो करता है ये करता है इनिशियल, दैट इज़ इनिशियल शॉर्ट रन फ्लिप कर्व। अब इसको समझते हैं हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली इसकी स्टडी है। देखो पॉइंट ए पे इकोनॉमी यहाँ पे 3% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड 2% ऑफ इन्फ्लेशन फेस करती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर देती है बाय एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसी से, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से अग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अग्रीगेट डिमांड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से अग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अब अग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। देखो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने से हमें लेबर चाहिए, तो जितनी लेबर हम एम्प्लॉयड करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट 3% से 2% हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इनकम बढ़नी शुरू होगी, अग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे कंडीशन आएगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की अकर हो जाएगी। अब सिचुएशन ऐसी आएगी जब डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन भी
आना शुरू हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन शिफ्ट कर जाएगा 2% से 4% तक। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेड, दैट इज़ फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि फ्यूचर में जो ये इन्फ्लेशन रेट है वो फिर ना बढ़ जाए, इसलिए इस एक्सपेक्टेशन को देख के फ्लिप कर्व शिफ्ट कर जाएगा। फ्लिप कर्व दैट इज शिफ्ट फ्रॉम बी पॉइंट टू सी, दैट इकोनॉमी शिफ्ट करेगी बी टू सी। अगेन इन्फ्लेशन रेट सेम, 4% इन्फ्लेशन पे इकोनॉमी मूव करगी बी टू सी। अब यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेशन दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट पहले 2% था, अब 3% पे आ गया है, तो इकोनॉमी नए दैट इज नए एक न्यू शॉर्ट एंड फ्लिप कर्व पे मूव कर गई है। तो इसलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगेन इट इज़ स्टक इन सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट इज 3%। तो पॉइंट बी और सी, तो पॉइंट ए स्टेबल है और पॉइंट बी अनस्टेबल है, और अगेन पॉइंट जो सी है वो भी स्टेबल है, स्टेबल पॉइंट को शो करता है। नाउ नेक्स्ट वन, लॉन्ग रन फ्लिप कर्व इज वर्टिकल एट 3% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज हमने स्टडी कर चुके हैं इसकी पहली। और चलो नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। और नेक्स्ट वन, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन बराबर है एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के, दोनों चीज़ें बराबर हैं। सो फ्रीडमैन एंड फेल्प्स व्यू ऑन फ्लिप कर्व नॉन एज एक्सेलरेशनिस्ट और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। अब देखो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या है, लॉन्ग रन में मतलब हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो ये इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी या कम होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीव्यूज या फिर जो एक्सपीरियंस है अपने प्रीव्यूज एक्सपीरियंस या फिर पास्ट एक्सपीरियंस पे। नेक्स्ट वन, द वर्टिकल लॉन्ग रन फ्लिप कर्व रिलेटेड टू द स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉन्ग रन फ्लिप कर्व जुड़ा हुआ है स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन से। नाउ नेक्स्ट वन, इन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑलवेज लैग बिहाइंड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है इस सेंस में, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मतलब हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन करते हैं इन्फ्लेशन क्या रहेगी, तो एक्सपेक्टेड जो हमने की थी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑलवेज लैग, लैग मतलब होता है पीछे, बिहाइंड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन से थोड़ा कम होगी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सो दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑलवेज लैग बिहाइंड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। चलो अब बात करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज, इसको हम ऐसे भी कहते हैं, दैट इज नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज नेहरू, और दैट इज़ नेहरू थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाई इकोनॉमिस्ट फ्रीडमैन एंड फेल्प्स, दो इकोनॉमिस्ट ने। अगेन ये काम करती है लॉन्ग रन में ही जब फ्लिप कर्व वर्टिकल होती है, और इस सिचुएशन में तीन चीज़ें अराइज होंगी। नंबर वन, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बिलो द नेचुरल रेट, जब अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट से बिलो है इस सेंस में इन्फ्लेशन विल एक्सेलरेट, इस सेंस में इन्फ्लेशन आएंगे मतलब प्राइजेस बढ़ेंगे। और दूसरी कंडीशन है व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अबव द नेचुरल रेट, अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट से ज़्यादा है तो इस सेंस में इन्फ्लेशन विल डिसेलरेट, तो इन्फ्लेशन कम होगा। और लास्ट सेंस है या फिर लास्ट कंडीशन है व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो जब नेचुरल रेट से बराबर हो ये दो चीज़ें तो इस सेंस में इन्फ्लेशन विल बी स्टेबल, इन्फ्लेशन स्टेबल हो जाएगा और नॉन एक्सेलरेटिंग। सो अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की, उसके बाद टॉबिन्स ने अपना व्यू दिया फ्लिप कर्व के ऊपर 1971 में। अब उन्होंने ये कहा दैट इज़ ही कंप्रोमाइज्ड बिटवीन नेगेटिवली स्लोप्ड एंड वर्टिकल फ्लिप कर्व, उसने इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड बताया, दैट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में ये दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाती है या फिर थोड़ा स्लोप इसकी लूप हो जाती है, और लॉन्ग रन में इसकी स्लोप वर्टिकल हो जाती है, तो इन्होंने ये कहा कि ये वर्टिकल भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है दोनों। एंड
Tobin Phillip curve is kinked shaped. That is a kinked shaped. One part is like normal Phillip curve, जो ये normal Phillip curve बताती है downward, और rest is vertical, और बाकी vertical, जो हमें long range Phillip curve के बारे में बताता है. Now, फिर इसके बाद एक criticism दी Solow ने. Solow का view था that is according to him, Phillip curve is vertical at positive rate of inflation, that is vertical है positive rate of inflation से. अब inflation क्या है, यहाँ पे positive है, तो जहाँ तक पॉजिटिव इन्फ्लेशन है वहाँ पे वर्टिकल रहेगी एंड हॉरिजॉन्टल एट नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन. लेकिन जब इन्फ्लेशन माइनस में जाएगा तो फ्लिप कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. अब इसी से जुड़ा हुआ एक रेशनल एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट. देखो रेशनल एक्सपेक्टेशन को हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं पहले. इसका मतलब है जब हम कोई एक एक्सपेक्टेशन करते हैं प्राइजेस के बारे में या फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, तो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने प्रेजेंट या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो हमने फेस किए हैं, तो उसी को बोलते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशन. बस रेशनल क्या होता है, एक विवेकशील, मतलब एक अच्छे एक्सपेक्टेशन हम कैसे कर सकते हैं. चलो द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस. और द आइडिया ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन फर्स्ट गिवन बाय या फिर डिस्कस किया था जॉन एफ मट ने इन 1961 में, और ये एक बार यूजीसी नेट में आया भी था. देन फर्दर पॉपुलराइज्ड बाय रॉबर्ट लुकास और टी सर्जेंट, और ये तीनों ही न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं. रेशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब है पीपल मेक रेशनल चॉइसेस बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशंस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस. मतलब जो रेशनल चॉइसेस होती हैं या विवेकशील जो चॉइसेस होती हैं फ्यूचर की, वो बेस्ड होती हैं अपनी इन्फॉर्मेशंस पे या फिर जो हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं उन पे. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू देम देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग रन. मतलब लॉन्ग रन में यहाँ पे ट्रेड ऑफ या फिर डिस्क्रिपेंसी जो है, इनमें कंट्राडिक्शन है, वो नहीं होगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में. मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन दोनों बराबर होंगे. तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक 3 लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, दैट इज केन्जियन अप्रोच. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉमल और टॉबिन का अप्रोच. तो दोस्तों आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ. थैंक यू.